मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाता है, ये सोचते हैं कि फिर मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा और जीत जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। और जो प्रधान बनने की जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, सांसद और विधायक बन गए हैं। अब कोतवाल जो है रोड पर 500 रुपए के लिए जो है तो अपना लगाया रहता है, डंडा लेके खड़ा रहता है, उसको 5 लाख मिल जाए तो वो क्या है, वो तो चाहे हत्या हो जाए चाटे वो उसको लिपापोती करेगा। यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का डीएम, यहाँ कप्तान, इन हराम खोरों को ये पैसा मिल रहा है जनता की सेवा के लिए। महाराज जी, आप यहाँ पे आए हैं, क्या उद्देश्य आने का, क्या पता चला? देखिए, आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या की ये शाखा है राम जानकी मंदिर तिलवे मनोरमा। हमारे ही दो शिष्य यहाँ रहते हैं, एक का नाम बाबा सम्राट दास उर्फ फातुल जिनको गोली मारी गई, और एक श्री सीताराम दास जी हमारे साथ खड़े हैं। मैं बहुत दुखी हूँ कि एक मुख्यमंत्री जो संत है, संत के मुख्यमंत्री होने के बाद संत को गोली मारी जाए, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता है। और ये स्थान, यहाँ लगभग 150 बीघे जमीन लगी है, यहाँ 3 दरिंदे हैं, एक अमर सिंह है, एक रुद्रबकत सिंह है, एक दरोगा सिंह। ये तीनों हरामखोर बहुत दिनों से कभी मूर्ति चुराते थे, कभी घंटा चुराते थे, कहीं यहाँ जो है बहन बेटी जो आती थी उनको छेड़खानी करते थे, इनकी बराबर शिकायत मिलती थी। इसके बाद जब हमने यहाँ इन दो साधुओं को भेजा तो ये बहुत परिश्रम करके स्थान संभाले, लेकिन जिस तरह से हमारे संत के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ। और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, अभी तक यहाँ डीएम नहीं आया सुन रहा हूँ, कप्तान नहीं आया, यहाँ का सांसद पता नहीं कहाँ मर गया है, विधायक कहाँ मर गया है। इन हरामखोरों को मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाता है, ये सोचते हैं कि फिर मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा और जीत जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। और जो प्रधान बनने की जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, सांसद और विधायक बन गए हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है कि क्या समाज में हो रहा है। अगर यहाँ का सांसद और विधायक, यहाँ का जो है कलेक्टर, SSP, अगर ये कड़े होते तो इनको कई बार सूचना दी जा चुकी है कि यहाँ पर इस तरह की जो दरिंदे हैं, मैं अपराधी की कोई जाति नहीं बता, देखिए अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी सिर्फ अपराधी चाहे कोई भी हो। यहाँ का तमाम सोना चांदी ये तीनों दरिंदे कई बार चुरा चुके हैं, और मैं योगी जी से मांग कर रहा हूँ कि ये तीनों अपराधियों की सारी संपत्ति नीलाम करके मंदिर में लगा दी जाए, और हमारे जो साधु रह रहे हैं इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और स्थान की जो भी जमीनें हैं वो जमीन जो है स्थान की सेवा पूजा में रहा है। ये भू माफिया, ये दरिंदे, ये जो है इनके इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं, ये गोली चला रहे हैं और बेखौफ जो है तो डोल रहे हैं। एक संत के मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर संत के ऊपर गोली चले तो संत कब सुरक्षित होगा? इसलिए आज मैं बहुत दुखी हूं, और योगी जी से मैं मांग करता हूं कि अगर 24 घंटे के अंदर इन तीनों की और इन तीनों के जो परिवार हैं और प्लस जो इनके जो साथी हैं, इनका गैंग है, एक लगभग इनके गैंग में 100 से ज्यादा लोग हैं और इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं और लूट के डकैती करके धन इकट्ठा करते हैं और रिश्वत दे करके फिर ये छूट जाते हैं। महान जी, आप ये बताइए कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी महान थे, तो आप भी महान थे, तो लगातार महान पे इतनी हमला क्यों हो रहे हैं, और जिस तरीके से जो इस पर आप आरोप लगा रहे हैं वो टॉप टेन अपराधी, तो फिर कार्रवाई क्यों हो रही है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि यह जो लोग कहते हैं जंगल राज का मतलब क्या है, जो स्थानीय प्रशासन है ये पहले सोया रहता है, स्थानीय प्रशासन को पहले जाकर के बताओ, इनको जुआ नहीं रखता है, और बाद में जब घटना घट जाती है तब ये दुनिया भर के इकट्ठा होकर के और फिर उसको जो है लीपापोती करने में लग जाते हैं। इसलिए जो यहाँ के डीएम हैं, SSP हैं, यहाँ के सांसद विधायक, मैं इनको कह रहा हूं कि इस मामले को गंभीरता से लें, और वरना मैं वही परमहंस हूं, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैंने राम मंदिर के लिए अनशन किया था, आप मुझसे वाकिफ होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए कल से मेरा फिर आमरण अनशन है। लेकिन अगर संतों के ऊपर इस तरह से लगातार जो है तो आक्रमण होते रहेंगे, हत्याएं होती रहेंगी, तो हम लोग फिर जो है अगर उतर जाएंगे मैदान में तो कुर्सी जो है ना बहुत जल्दी जो है हट जाएगी। अच्छा होगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और राम जानकी मंदिर तिलवे मनोरमा से अभी तक में लगभग इन दरिंदों ने 5 करोड़ की संपत्ति सोना चांदी कब से लूट रहे हैं हरामखोर, इनकी सारी संपत्ति को जब्त करके इस मंदिर में, ये देखिए क्या स्थिति है मंदिर की, ये मंदिर देखिए गिर रहा है,
यहाँ इसमें 150 बीघा जमीन लगी हुई है। ये मंदिर की संपत्ति ये लोग खाने के चक्कर में, बेचने के चक्कर में, हमारे साधुओं के लिए यहाँ इनको आटा दाल नहीं मिलता है, इनके लिए हम लोग अयोध्या से प्रयास करके यहाँ भेजते हैं। इसलिए इस पर जो है मैं योगी जी से भी आग्रह करूंगा और जो स्थानीय प्रशासन है इसको गंभीरता से ले, और 24 घंटे का मैं समय दे रहा हूं, अगर 24 घंटे में ये सारे दरिंदे गिरफ्तार नहीं किए गए और गंभीर धाराओं में मुकदमा यदि पंजीकृत नहीं हुआ, अभी अमर सिंह जेल गया था क्यों छोड़ दिया गया? ये गुंडे जो है इनके इतने हौसले बुलंद है, ये योगी जी और मोदी जी की छवि जो है इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कुछ ही दिन हुआ राजस्थान में जिस तरह से जो है एक पुजारी को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया, और फिर अभी जो है यहाँ पर जो है हमारे जो है संत के ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ, उसको गोली लगी है, वो जीवन मौत की जो है जंग लड़ रहा है। और अभी तक मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का डीएम, यहाँ कप्तान, इन हरामखोरों को ये पैसा मिल रहा है जनता की सेवा के लिए, ये पैसा जनता की सेवा के लिए मिल रहा है, इनको जो है ये नहीं कि घूस लेकर के तुम बैठे रहो दफ्तर में, और अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं फिर जो है इसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी के क्या, पास क्या 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 आपकी है आगे रणनीति, क्या करेंगे अगर गिरफ्तारी होती तो क्या? अगर नहीं होती है तो मैं मुख्यमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे संबंध है, अब मैं देख रहा हूँ 24 घंटे तक इनको मोहलत दिया हूँ, नहीं तो मैं योगी जी से बात। महाराज जी यहाँ के जो महंत हैं उन्होंने पहले भी आरोप लगाए थे, यहाँ बम्बावी जी की घटना भी आई थी प्रकाश में, यहाँ के जो स्थानीय कोतवाल है उनको अवगत भी करवाए गए थे, बावजूद इसके यहाँ से सुरक्षा भी हटा ली गई, इसका ऑडियो भी। बात यह है कि ये जो दरिंदे हैं ये लोग चोरी डकैती करके खूब पैसा अर्जित किए हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, लाख 2-5 लाख रुपया कोतवाल को दे दिए। अब कोतवाल जो है रोड पर 500 रुपए के लिए जो है तो अपना लगाया रहता है, डंडा लेके खड़ा रहता है, उसको 5 लाख मिल जाए तो क्या है, वो तो चाहे हत्या हो जाए चाटे वो उसको लिपा पोती करेगा। इसलिए जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है इसको जो है गंभीरता से ले, और नहीं तो 24 घंटे में अगर इन सब की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसके बाद फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें महंत जी कोतवाल से बात कर रहे हैं, उसमें फिर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई? देखिए जो ऑडियो जो वायरल हुआ है जिसमें सीताराम दास जी ने जो बताया है कि 70% लोग हमारे साथ हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये अपराधी कितनों पैसा बांटेंगे, कितनों जो है भय दिखाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 2-4%, 10%, 20%, 30% लोगों को खरीद लेंगे, लेकिन सारे मानवतावादी नहीं खरीदे जा सकते हैं। तो उनका कहना यह है कि जो भी अच्छे लोग हैं सभ्य लोग हैं वो सब मंदिर के पक्ष में।